जिसकी वाइटल फोर्स मजबूत है उसको कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी नहीं लगती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं आतशक या सिफिलिस क्या चीज़ है और इसको हम किस तरीके से होम्योपैथी के साथ जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सिफिलिस असल में STI है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो ये STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसको STD के नाम से भी जाना जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम से। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो असल में सेक्स के अमल से जो है वो रूनमा होती है कि जो झिल्ली होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वजाइना में या हमारे जो यूरिथ्रा के ऊपर जो एक ब्रीक स्किन होती है उसके ऊपर बाद दफ़ा इस बैक्टीरिया जो है ये उसमें इंजेक्ट कर जाता है। अब ये जो इंजेक्ट करता है तो उसके बाद इसकी फिर ये अलामत बनती है कि एक दाना सा निकल आता है। वो दाना जो है वो होंठ पर भी हो सकता है, वो एनस पर भी हो सकता है, वो पेशाब वाली नाली यूरिथ्रा के ऊपर सिरे पर भी हो सकता है और वो वजाइना पर भी हो सकता है। तो ये जो STD डिज़ीज़ है ये आपस में अज़्दवाजी तलकात से जो फैलती है और एक फ़र्द अगर इन्फेक्टेड है इससे मुतासर है शख्स है वो ख़ाब मेल है या फीमेल है उससे दूसरे फ़र्द को लग जाता है। चूंकि वो जगह नरम होती है और वहाँ पर रगड़ लगने से वो चीज़ इंजेक्ट हो जाता है, ये जसूमा जो है आतशुक का, तो उसको ये लग जाता है। आमतौर पर जो सिफिलिस है उसके मानी जो लिए जाते हैं, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मानी है मोहब्बत के साथ। चूंकि ये मियां बीवी के दरान में तल्लुकात थे आमतौर पर या दो अफराद के आपस में सेक्सुअली राब्ते की वजह से ही होता है, तो इसलिए इसको मोहब्बत के साथ तो कहा जाता है। लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि जो आग लेकर आती है और ये आग की तरह जला देती है, आग की तरह जो है ना वो बंदे को मुतासर कर देती है। तो इसलिए इसको 1505 में तकरीबन ये जो है ना वो इसका 1550 में ये एक शायर ने लातीनी ज़बान में नज़म लिखी, इटली के शायर ने, तो उसमें उसने एक मर्ज़ का ज़िक्र किया जो उस बंदे को इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला रखा, उन लोगों को उसने मर्ज़ ने उसके नज़म का जो एक हीरो था उसको, तो उसकी उस किरदार को जब उसने इतनी तकलीफ़ में रखा तो उस मर्ज़ की जो उसने नाम दिया उसको उसने सिफिलिस का नाम दिया। तो तब से ही मेडिकल की ज़बान में ये सिफिलिस के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि ये मर्ज़ जो है हमारी अंग्रेज़ी तिब के अंदर 1950 में जो है वो इजाद हुआ है, दरियाफ्त हुआ है कि ये एक मखसूस किस्म का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये मर्ज़ फैलता है। 1905 से पहले भी इसको इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन होम्योपैथी के अंदर जो है ये मर्ज़ एक मुख्तलिफ अंदाज से जाना जाता है जिसको हम मियाज़म का नाम देते हैं कि सौरा, सिफिलिस और साइकोसिस तीन जो मियाज़म हैं उनमें से ये दूसरे दर्जे का जो मियाज़म है जिसे हम सिफिलिस के नाम से जानते हैं वो है। इसमें हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम आतशुक जो इसके उर्दू में मीनिंग लिए जाते हैं उस पर बात करते हैं। आतशुक असल में फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी आग के हैं, आतिश के हैं। तो आग से मुराद ये है कि ये इसकी ऐसी आगाज़ से ही लेकर जो इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, स्टेजेस हैं, आखिर तक जो है ये इस तरह जिस्म को आग लगा देता है या इस तरह के जला देता है जिस्म को या इस तरीके से ख़त्म कर देता है जैसे चीज़ों को आग जला देती है। यानी ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसमें मौत वाक्य होने का भी खदशा होता है, लेकिन मौत से पहले ही इंसान इस मर्ज के साथ इतना लागर हो जाता है कि मरने के करीब आ जाता है। तो इस वजह से इसको आतशक के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं होम्योपैथी के हवाले से कि इसका क्या नज़रिया है आतशक का या सिफिलिस का। तो सिफिलिस जो है असल में
होम्योपैथी ये कहती है कि कुव्वते हयात जो है जब कमज़ोर होती है तो उस वक्त हमारे ऊपर मुख्तलिफ बैक्टीरियाज का या मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स का या किसी भी किस्म की बीमारी का हमला होता है। अब उस हमले की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस हमले को रोकने के लिए पैदा होते हैं और उसको वो किल करते हैं। लेकिन अगर कुव्वते हयात ही कमज़ोर है तो वो जो हमला आवर बैक्टीरियाज हैं उस पर वो काबू पा जाते हैं, जिस्म के ऊपर उस पर अहाता कर लेते हैं, जिस अगर कुव्वते हयात कमज़ोर है तो। अब उसकी वजह से जो अमल में ये चीज़ आती है तो उसकी वजह से फिर उसको मुख्तलिफ किस्म की STD STI किस्म की जो बीमारियाँ मैंने बताया है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो ये वाकया हो जाती हैं। और भी उसमें बहुत सारी हैं जैसे गनोरिया या जिसको हम ये जो इसके नाम से जानते हैं गनोरिया को गनोरिया के नाम से जानते हैं जिसको हम, और इसके अलावा जो है और बहुत सारी जो हमारे इसमें सुजाक गनोरिया या सुजाक के नाम से जिसको हम जानते हैं, इस तरह के अमराज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं ये STD डिजीज़ में मुख्तलिफ किस्म की जैसे HIV है एड्स है ये पैदा होती है। तो ये जो बीमारियाँ पैदा होती हैं ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो हैं लेकिन होम्योपैथी ये कहती है कि सौरा ख्यालात से होता है। जब आपके जहन में बुरे ख्यालात होते हैं तो उससे ये सौरा पैदा होता है और सौरा मुख्तलिफ किस्म के नेचर के लोग जो हैं वो अपनी नस्लों में मुंतकिल करते हैं। अगर एक बद ख्याल के लोग हैं तो वो अगली नस्ल में उससे अगली नस्ल में वो सौरा मुंतकिल होता रहता है। जबकि सिफिलिस जो है या आतशिक जो है ये उसके अमल से पैदा होता है। अमल से पैदा होने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर फिर वो मर्ज रूनमा हो जाता है। जब मर्ज रूनमा होता है तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और सिफिलिस की आमतौर पर 3 स्टेजेस जो हैं वो जानी जाती हैं। जो पहली दर्जे का सिफिलिस है उसमें सिर्फ यह है कि एक छोटी सी फिंसिस बनती है उज़्वे तनासिल के ऊपर और उसमें पीप होती है और उसके अंदर गिल्टी होती है और बाज़ दफ़ा यह है कि वो फट जाती है और उसके कुछ 2-3 माह के बाद वो ख़त्म हो जाती है और इंसान ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो चूँकि फिंसी भी जो है वो पेनलेस होती है और उसका कोई ख़ास ज़्यादा इतना नोटिस नहीं लिया जाता, लेकिन हकीकत में ये पहले दर्जे का सिफिलिस था। अगर उसी वक्त इस सिफिलिस का इलाज कर लिया जाता तो ये दूसरे दर्जे में शामिल ना होता कि जो इससे ज़्यादा शिद्दत का भी है और ख़तरनाक भी है। अब दूसरे दर्जे में क्या होता है कि यही सिफिलिस जो है वो फिर बाहर निकलता है। जब वो अंदर किसी भी वाले से चला जाए सिफिलिस का, अगर लोकल एप्लीकेशन के ज़रिए से इलाज किया जाए, फिंस के ऊपर कोई दवाई लगा दी जाए या कोई ऐसी दवाइयाँ देकर जो है उसको दबा दिया जाए तो ये दूसरे दर्जे का सिफिलिस कुछ अरसे के बाद ज़ाहर होता है। पहले बिल्कुल बंदा नॉर्मल होता है, महसूस ये करता है कि अब उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन बाद में फिर यह है कि हाथों पे, पाँव के जो है वो तलवों पे और पूरी स्किन पर ये फिर दाने इस तरह के निकलते हैं सिफिलिस के, जो दाने होते हैं अरगवानी रंग के, और फिर वो जो है वो बुखार है, पूरे सिम्टम्स इसके जो है ना वो पैदा होते हैं। अब इसका भी अगर इलाज कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है, और अगर होम्योपैथी के ज़रिए से किया जाए तो मुश्किल जान छूट जाती है इससे सिफिलिस से। लेकिन अगर इसका इलाज एलोपैथी के ज़रिए या किसी और तरीका इलाज से किया जाए और इसको दबा दिया जाए तो उससे ये होता है कि ये तीसरे दर्जे में चला जाता है। यानी वक्ती तौर पर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ अरसा के बाद यही सिफिलिस या आतशुक जो है वो फिर दिमाग को मुतासर करता है, आँखों को मुतासर करता है, लिवर को मुतासर करता है, किडनी को मुतासर करता है, हार्ट को मुतासर करता है, स्टमक को मुतासर करता है, आपके गायनी के पार्ट्स को मुतासर करता है, जिसकी वजह से बेऔलादी का अंसर भी पैदा होता है और बहुत सारे मसाइल जो हैं उसके साथ पैदा होते हैं। और फिर इसके अलावा ये है कि ये सारे अमराज अगर इकट्ठे ही हो जाएँ तो फिर ये इंसान के लिए मौत का सबब भी बनते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और इसके साथ साथ यह है कि इस दर्जे में फिर वो एक बारूद की शक्ल में आपके मुआशरे में वो फ़र्द मौजूद होता है कि जिसके साथ ये टच कर गया उसको ये इसने बीमार कर दिया, तो इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। तो इस सारे स्टेजेस से बचने के लिए ये जो मैंने आपको सिफिलिस का तारफ या आतशुक की मैंने डिटेल बताई है, आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप होम्योपैथ डॉक्टर से रजू करें ताकि आपके वो टोटली सिम्टम्स को लेकर उसके मुताबिक आपकी
बेहतरीन मेडिसिन तजवीज़ करे ताकि ये जड़ से ख़त्म हो सके। अब बात करते हैं सिफिलिस या आतिशक की अलामत या सिम्टम्स क्या हैं। तो इसके लिए यह है कि बज़ाहर तो आमतौर पर कोई अलामत उसको नज़र नहीं आती हैं जो इसमें मुब्तला हो जाता है, क्योंकि एक दाना निकलता है या तो वजाइना पे, शर्मगाह पे जो है ना वो निकल आता है, या फिर यह है कि उज़्वे तनासल पर मर्द के जो है वो निकल आता है, तो इस तरह का कोई दाना या होंठ के ऊपर इस तरह से निकल आता है तो उसको पेनफुल नहीं होता है, तो उसको माइनर लिया जाता है, उसका कोई लाइट लेकर उसको जो है ना उसका समझा जाता है कि ये कोई चीज़ नहीं है, उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता या उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाया जाता। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें यह है कि चूंकि ये किसी गंदी या फाशा औरत के साथ जमा करने से या गंदे मर्द के साथ औरत का जो रबता होता है उससे औरत को या औरत से मर्द को ये मर्द जो है मुंतकिल होता है, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब दुनिया की गंदी तरीन गंदगी को हाथ लगाने के बाद उसको अब हर चीज़ गंदी लगना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि वो समझता है कि मुझे कोई बहुत बड़ा मर्द लाहक हो जाएगा, उसको तशवीश रहती है मुख्तलिफ किस्म के अमराज की कि मुझे कैंसर हो जाएगा, कोई और इस तरह का मर्ज हो जाएगा, हर वक्त हाथ धोता रहता है कि मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, और उसको वहम लगा रहता है सफाई का कि मैं साफ नहीं हूँ, और इसके बावजूद वो गंदा भी रहता है और गंदगी में उसको कोई परेशानी नहीं होती है। ये सर्दियों में गर्मियों में दोनों ही उनको उसके लिए माफक हो जो माफक नहीं होती हैं, ख़ास तौर पर रात जो है सिफिलिस के पेशेंट के लिए बहुत ही कठिन होती है, वो रात पड़ने से पहले अंधेरा छा जाने से पहले अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहता है, वो समझता है कि मुझे रात नींद नहीं आएगी। तांबे के रंग के जो है दाने हैं दूसरी स्टेज में जो है वो पूरे जिस्म पर निकल आते हैं, पहली स्टेज पर तो वो दाना होता है और आमतौर पर वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरी स्टेज पर पूरे जिस्म पर वो दाने निकल आते हैं, और अजीब बात यह है कि पेनफुल वो भी नहीं होते हैं और ख़ारिश भी नहीं उनमें होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और तीसरे दर्जे के सिफिलिस में जो है वो पूरे जिस्म को वो आग की तरह जो है वो ये लपेट लेता है सिफिलिस जो है। और जिसकी भी खातून की को वजाइना गली सड़ी है या कोई जिसमें जलन और सड़न है तो उससे ये आप लाजमी समझ लें कि उसको ये आतिशक या सिफिलिस है। और सिफिलिस की आम तौर पर जो टेस्ट होता है बाज़ दफ़ा जब प्रेगनेंसी के आगाज़ में जो खातून टेस्ट करवाने के लिए जाती है तो उसको डॉक्टर जो है वो ब्लड टेस्ट रिकमेंड करता है, तो उसमें बाज़ दफ़ा सिफिलिस पॉजिटिव आ जाता है। या फिर यह है कि जो लोग बाहर के मुल्क में जाना जाते हैं तो वो बाहर में जाने के लिए जब वो टेस्ट करवाते हैं तो वो उनके जो सिफिलिस जो है वो पॉजिटिव आता है, तो उनको पता चलता है कि हम इसमें मुब्तला हैं, वरना आमतौर पर उनको कोई सिम्टम नज़र नहीं आते। हाँ अलबत्ता जो लोग मरूसी सिम्टम्स लेकर पैदा होते हैं सिफिलिस के उनमें यह है कि जो बच्चे माँ के पेट में सिफिलिस में के साथ होते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के दौरान होता यह है कि बच्चा या तो उसकी डेवलपमेंट रुक गई होती है, नशोनुमा नहीं होती है, या अगर हो रही है तो बेडंगी हो रही होती है, अजीबुल खलकत बच्चा पैदा हो रहा होता है, और किसी का सर बड़ा है, किसी की टांगें छोटी हैं, या किसी के एक और आर्गन जो है वो एक आर्गन के साथ पैदा हो रहा है, या कोई गर्दन जो है वो नहीं है या गर्दन साथ जुड़ी हुई है धड़ के, कोई इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की अलामत पैदा होनी शुरू हो जाती हैं उसके अंदर। और आम तौर पर प्रेगनेंसी ही जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, मिसकैरेज हो जाता है या जो है ना अबॉर्शन करवाना पड़ता है, तो डीएनसी वगैरह होती है। तो ये तो इसकी अलामत हैं जो सिफिलिस की प्रेगनेंसी के दौरान में होती हैं। अब बच्चा अगर पैदा हो गया है तो बच्चा पैदा होने के बाद अगर बच्चा पहले ही वो ठीक ठाक है तो कुछ महीनों के बाद ही या कुछ सालों के बाद यकदम जो है ना वो एक उसको सिंड्रोम की तरह जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि जैसे उसकी नशोनुमा बिल्कुल रुक गई है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्रीक होना शुरू हो जाते हैं, और बच्चा बिल्कुल बौना लगना शुरू हो जाता है, उसके हाथ पाँव जो है वो बौने हो जाते हैं। कभी आपने कुछ लोगों को देखा हो, बेशक वो बड़े भी हो गए हों लेकिन उसका कद बहुत छोटा रह गया है, और ये ख़ास तौर पर हाथों के अंगूठे बहुत छोटे होते हैं, तो ये सिफिलिस के पेशेंट होते हैं जिनको मरूसी तौर पर सिफिलिस मिला होता है। तो जो सिफिलिस है वो बाज़ दफ़ा जो मरूसी तौर पर मिलता है उसमें बच्चे जो हैं उनकी नशोनुमा बिल्कुल रुक जाती है, और इसके साथ साथ ये है कि
वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा देर तक ज़िंदा भी नहीं रहते हैं, और अगर ज़िंदा भी रहें तो वो बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनको घेरे रखती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी तभी लाइफ गुजार लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आम जो इंसान हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ हटकर नज़र आते हैं। उनके बाल, उनके हाथ, उनके पाँव, उनके अंगूठे ऐसे लगता है कि जैसे अंदर ठुके हुए हैं। पाँव के भी, हाथों के भी छोटे होते हैं अंगूठे भी, कद भी बाज़ दफ़ा छोटा रह जाता है, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं, और इस तरह के कई मसाइल जो हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये तो वो है जो वो अपने वालदैन से सिफिलिस के वो पेशेंट थे तो वो लेकर आया, माँ को सिफिलिस था या बाप को सिफिलिस था, तो उससे वो बच्चा पैदा हुआ तो उसमें ये सिफिलिस की अलामत आ गई। कुछ वो लोग हैं जो अपनी गलतकारियों की वजह से सिफिलिस में मुबतला हो गए, जिन्होंने इसको खुद ले लिया किसी वजह से भी, या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि उन्होंने अगर वहाँ से नहीं भी लिया तो बाज़ दफ़ा ब्लड ट्रांसमिशन से भी या कोई और ट्रांसमिशन जो है वो बॉडी के कोई चीज़ जो है वो ट्रांसप्लांट हो रही है, तो उसमें अगर वो एहतियात नहीं की गई है तो उस दौरान में अगर वो सिफिलिस के पेशेंट से ये चीज़ें जो है ना ट्रांसप्लांट हो रही हैं या ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो उसकी वजह से भी सिफिलिस होने का खदशा होता है। तो ये चीज़ों की वजह से भी वो उसमें सिफिलिस पॉजिटिव आ सकता है, और उससे भी यह बॉडी की बहुत सारी अलामत ऐसी पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो अलामतें तीसरी स्टेज पर जाकर पैदा होती हैं वो बड़ी ही खतरनाक होती हैं। इसलिए सिफिलिस की अगर इब्तदा में ही आपको पता चल जाए तो उसका आप इलाज करवाएं, और अगर माँ या बाप में सिफिलिस है तो उनको पैदाइश बच्चे की जो कंसीव करने से पहले माँ को अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर किसी वजह से वो कंसीव कर चुकी है बेबी को तो अब हमल के दौरान में उसको होम्योपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए ताकि बच्चे अजीबुल खलकत पैदा ना हो, बच्चे मजूर पैदा ना हो। बच्चे अगर पैदा हो गए हैं तो वो उसके बाद कोई बौने ना रह जाएं, कोई छोटे ना रह जाएं, या उनके अंदर कोई जिस्मानी नुक्स ना रह जाए, या अगर वो पैदा हो गए हैं तो अपनी तिब्बी ज़िंदगी गुजारने से पहले ही फौत ना हो जाएं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इन सिम्टम्स को या अलामत को अपने मद्देनज़र रखें, और अगर आप में सिम्टम्स की अलामत नज़र आ रही हैं तो आप अपने होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अब हम बात करते हैं कि सिफिलिस या आशिक क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके काजेज़ क्या हैं, असबाब क्या है। तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो गैर महफूज किस्म का जो जिंसी रबता है उसकी वजह से ये मुंतकिल होता है, या अपने जीवन साथी तक महदूद ना रहने वाले लोग जो हैं वो इस तरह के अमराज में मुबतला होते हैं, जिनको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या एसटीडी या एसटीआई के नाम से जानते हैं। तो ये जो अमराज होते हैं इसमें जैसे एचआईवी है या ये सिफिलिस है तो ये रूनमा हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि आपके आपस में हाथ मिलाने से, आपके पसीने से, आपके लुआब से, आपके की जूट से, और किसी पब्लिक टॉयलेट में जाने से या कीड़े मकोड़ों के काटने से सिफिलिस मुंतकिल नहीं होता। ये चूंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इसलिए जो मनी से, मादा मनविया से, या औरत के वजाइना की सिक्रेशन से जो है वो मर्द को या औरत को मुंतकिल होता है, या ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से ये मुंतकिल हो सकता है, वरना ये बाकी चीज़ों से मुंतकिल नहीं होता। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि इसकी काज है कि ये मर्द को या औरत को मौजूद है, और वो शादी के बाद उनमें से दोनों जो जोड़ा है उसमें से जो बच्चा पैदा होता है तो उस वो बच्चा भी पैदाइशी सिफिलिस के साथ पैदा हो सकता है। ये एक अलग से एक वजह है जिसमें बच्चे जो हैं बाज़ दफ़ा सिफिलिस को साथ लेकर या आतिशे को साथ लेकर माँ के पेट से जो है वो पैदा होते हैं। तो ये इसकी वजूहात हैं। आमतौर पर ये चूंकि एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये फैलता है, जो हमारे एलोपैथिक तरीका इलाज है उसमें तशखीस है, उसमें ये बताया जाता है कि ये इस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, तो वो बैक्टीरिया हमेशा गलत जिनसी रबते से ही जो है वो उसमें मुंतकिल होता है। बाकी और इसकी कोई खास काज जो है वो नहीं है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। सिफिलिस या आतिशक डायग्नोज जो करना हो हमने या तशखीस करना हो इसकी, तो इसके लिए लेबॉरेटरी का टेस्ट तो आमतौर पर VDRL होता है, लेकिन
इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं उनको देखकर भी डॉक्टर जो है वो ये देख लेता है। ब्लड टेस्ट के ज़रिए से जब सिफिलिस जो है वो पॉजिटिव आता है तो उसके ज़रिए से भी ये पता चल जाता है, और उसकी बुनियाद पर इसका इलाज जो है वो एक होम्योपैथ डॉक्टर को भी एक रहनुमाई मिल जाती है तो उससे करना शुरू कर देता है। और एलोपैथी के में भी इसकी जो है ना वो मैनेजमेंट जो है इसी टेस्ट के बुनियाद पर, या इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के इम्यूनिटी के जो टेस्ट होते हैं या बैक्टीरिया के जो टेस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के किए जाते हैं, जिनसे ये पता चल जाता है कि सिफिलिस पॉजिटिव है और इसका जो इलाज है वो करवाना ज़रूरी है। इसके बगैर यह है कि ये दूसरे फर्द को भी ट्रांसमिट हो सकता है, और अगर आप बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं तो हो सकता है कि आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाए, कि आपको जाने की इजाज़त ना मिल सके, क्योंकि आप एक ऐसे मर्ज में मुबतला हैं जो किसी दूसरे मुल्क के लोगों को भी उसमें मुबतला कर सकते हैं। सिफिलिस या आदिशक के ट्रीटमेंट के वाले से अगर बात करें तो होम्योपैथी में इस ये मर्ज़ काबिल इलाज है, और इसका अगर रेगुलर किस्म तरीके से इलाज करवाया जाए और सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन खाई जाए और किसी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी खाई जाए तो ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाए तो उससे ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसके लिए यह है कि इब्तदा में तो सबसे बेहतरीन मेडिसिन इसकी मर्कसॉल है। मर्कसॉल बहुत अच्छी मेडिसिन है सिफिलिस के इलाज में, जबकि ये इब्तदाई स्टेजेस में हो, और अगली स्टेजेस में इसकी और बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे सिफ्लिनियम है। सिफ्लिनियम जो है वो तकरीबन हर केस में हम जो है वो बड़ी पोटेंसी में इसका आगाज़ करने से पहले एज ए एजमेटिक मेडिसिन दे सकते हैं, इसके ज़रिए से इलाज शुरू किया जाए, और फिर हर 15 दिन के बाद इस मेडिसिन को जो है ना एक डोज जो है उसकी रिपीट कर दी जाए, बाकी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाए तो उससे ये इलाज हो सकता है। इसके अलावा ऑरोमेट है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो सिफिलिस का इलाज है। तो इसके अलावा एंटी सिफिलिस बहुत सारी मेडिसिन है जिनसे हमारा मटीरिया अमेरिका जो है वो बहुत ज़रखेज़ है। जो एज ए होम्योपैथ डॉक्टर जो सीखने वाले डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वो मटीरिया अमेरिका की एंटी सिफिलिस मेडिसिन जो है वो सारी उनको बगौर मुतालिया करें, उनको स्टडी करें और उनकी अलामत को देखें, और उसके मुताबिक पेशेंट से जो अगर अलामत मुमसल हैं तो वो मेडिसिन दें, और उसको रेगुलर अपना विजिट में रखें पेशेंट को, क्योंकि ये लंबे अरसे तक इसका इलाज करना पड़ता है ताकि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। सिफिलिस होम्योपैथिक में काबिल इलाज है बशर्ते कि उसकी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए तो उससे ये वो ठीक हो सकता है। बात करते हैं हम सिफिलिस या आदिशक के लिए हिफाजती तदाबीर क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं। तो ये तो आप खुद भी जानते हैं कि जब भी आप किसी भी किस्म की ट्रांसप्लांट करवाएं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की, और अल्लाह ना करे कभी करवानी पड़े किडनी की, लिवर की, या इवन हेयर ट्रांसप्लांट भी है, कुछ भी है, तो उस वक्त आपको जो दूसरा पार्टनर है उससे आपका उसका टेस्ट होना लाजमी है, ज़रूरी है कि कहीं वो सिफिलिस से मुतासर तो नहीं है। और अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन है किसी वजह से करवानी पड़ रही है तो उस वक्त भी ये टेस्ट होना ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि कहीं सिफिलिस पॉजिटिव तो नहीं है। इसके अलावा ये है कि अपने जीवन साथी तक महदूद रहें, अपने रबतों को अपनी बेगम तक महदूद रखें। इसके अलावा जितने भी ये रबते हैं ये सिफिलिस का बहुत ज़्यादा जो है ना वजूहत बनती हैं। कहने की बात यह है कि जो मर्द जो है वो अगर अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रहा है तो क्या वो जो औरत है वो क्या किसी एक और तक एक ही मर्द तक महदूद रही होगी। जब इस तरह का मुआशरा हो, इस तरह का माहौल हो तो इसमें ज़्यादा फैलता है। अपने ख्यालात को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, और हर वक्त जो है वो अपने रुझान जो है उसको हमेशा नेकी की तरफ रखें। जब भी आपके जहन के अंदर गंदगी आएगी तो ये चूँकि ऐसी ही गंदगी से फैलता है जो गंदगी हमें जिनसी रबते से मिलती है, वरना ये नहीं फैलता। और अगर आपके पार्टनर को अगर इस तरह का मसला हो गया तो आपके पास बहुत सारे महफूज रबते करने के ज़रिए हैं जिसके ज़रिए से आप जिनसी रबता महफूज तरीके से कर सकते हैं। औरतों को ये आमतौर पर ये ज़्यादा होता है, उसकी वजह यह है कि उनकी वजाइना जो है वो उसके अंदर ज़्यादा देर तक मर्द के स्पर्म ठहरते हैं। दूसरा यह है कि उनकी स्किन जो है वो नर्म होती है, इस वजह से उनके होंठों पे या उनके मकद में या उनकी वजाइना में ये जो
आतशुक है या सिफिलिस है, ये उसका दाना जल्दी निकल आता है, तो उनको इससे भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और बाकी यह है कि साफ़ सुथरे रहने से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आप उसके बाद अपने जिस्म को धो लेते हैं या कुछ है, वो तो उसके अंदर इंजेक्ट हो चुका होता है, तो उसको इंजेक्ट होने से बचाने के लिए आपको महफूज जिनसी रब्ता करना चाहिए। सिफिलिस या आतशिक जो है उसके अगर हम होम रेमडीज़ या घरेलू टोटकों के वाले से बात करें, तो ये इस तरह का क्रॉनिक डिज़ीज़ है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है कि इसके अंदर कोई ख़ास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको हम बयान करें तो उससे ये आप इससे बच सकें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जिस बंदे की कुव्वत मुदाफ़त मजबूत है, जिसकी कुव्वत हयात मजबूत है, जिसकी वाइटल फोर्स मजबूत है, उसको कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी नहीं लगती है। इसलिए अपनी वाइटल फोर्स को मजबूत करने के लिए अपने होम्योपैथ डॉक्टर से राबता करें, ताकि आपकी वाइटल फोर्स को मजबूत करने के वो कुछ तरीके भी बताए, जिस और कुछ आपको ऐसी ग़ज़ाएँ बताए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताए, कोई ऐसा लाइफस्टाइल बताए जिससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी बूस्ट हो, वाइटल फोर्स भी जो है वो मजबूत हो। जितनी भी कुव्वत हयात मजबूत होगी उतना ही आप इससे बच सकेंगे। इसके लिए आप कलवंजी को रोज़ाना 3 दाने 4 दाने थोड़ी सी जो है वो सुबह के टाइम पे चबा कर मुँह में रखें और चबा कर खाएँ, इसको मामूल बना लें। शहद को मामूल बना लें कि आपने सर्दियों में वैसे शहद को चाटना है रात सोते वक्त, या नीम गर्म दूध में डालकर पीना है, या अगर आपने सर्दियों में पीना है तो शहद को ठंडे पानी में डालकर आप पी सकते हैं। शहद बजाते खुद इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, और भी इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं और बहुत सारी घरेलू जो चीज़ें हैं उनके जरिए से हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें, आप सेहतफजा मकामात में रहें और ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा मिलती है उन जगहों पर रहें, हवादार जगहों पर रहें, तो इस तरीके से हम सिफिलिस या आतशिक से महफूज रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।